अगर जिंदगी और एग्जाम को आप लोग कंपेयर करोगे तो दोनों आप लोगों को इतना गोल गोल घुमाएंगे, इतना गोल गोल घुमाएंगे कि आप लोग गोल गोल घूमते घूमते उसी गोले चक्कर में गिरकर रह जाओगे। अगर आप लोगों को जिंदगी में अपने गोल का नहीं पता है और एग्जाम में अपने टारगेट का नहीं पता है कि हाँ इतना टारगेट मुझे हिट करना है। अगर घर से निकलते हो ना यार, आप लोग किसी डेस्टिनेशन पर जाना है बाय ट्रेन, आप लोग जाकर टिकट काउंटर पर जाकर बोलोगे कि मुझे उस ट्रेन का उस दिन का उस टाइम का टिकट दे दो। मतलब क्या, मतलब यह कि उस टाइम पर वो ट्रेन आएगी, उस ट्रेन की उस बोगी में आप लोग बैठेंगे, उस बोगी पे एक सीट होगी जिस पर आप लोग बैठेंगे, सारी चीजें प्री डिफाइन है भाई साहब, तब जाकर आप लोगों को यहाँ पर एक प्रॉपर डेस्टिनेशन पर आप लोग पहुंच पाते हो। और आप लोगों को यह लग रहा है कि आप लोग किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे बिना किसी डेस्टिनेशन को जाने हुए, आप लोगों को यह भी नहीं पता है कि उसका कट ऑफ कितना है, आप लोगों को यह भी नहीं पता है कि उसका सिलेबस कितना है, आप लोगों को यह भी नहीं पता है किस तरीके से चीजें जो है आप लोगों को फॉलो करके चलनी है, तो गोल गोल घूमते रह जाओगे, कभी भी अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचोगे। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने 5 साल का कटो, इससे आप लोगों का ये बिल्कुल ऐसा माहौल तैयार होगा। उन्हें कहते हैं कि पानी में कूदने से पहले चेक तो कर लो भाई साहब कितना गहरा है, पता चला ताव में कूद गए डूब गए, ऐसे नहीं होना चाहिए कभी भी। तो सबसे पहले चेक करो कि आप लोगों का कट ऑफ कितना होता है। नॉर्मली अगर आप लोग जनरल कैटेगरी का अगर आप लोग चेक करोगे, जो कि मैं फोकस देकर चलने वाला हूं, तो आप लोग यहां पर प्रीलिम्स के ऊपर जैसे आप लोग फोकस करोगे तो आप लोग देखोगे 2020 का जो कट ऑफ था वो 92 था, 2019 का जो था वो 98 था, 2016 का जो था वो भी 2018 का जो था वो भी 98 था, 2017 का जो था वो 105 था, और 2016 का कुछ ज्यादा ही सस्ता पेपर आ गया था तो 116 चला गया। तो मोटे मोटे तौर पर इन 5 साल को पेपर को देखकर इतना तो आप लोग एक कॉमन सेंस से एनालिसिस लगा सकते हो कि हाँ यार, अगर आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो अगर आप लोग 120 के अगर एयर फेयर ले आते हैं तो आप लोग बिल्कुल कंफर्टेबल जोन में हो जाते हैं। इतना तो एक कॉमन सेंस हर एक इंसान लगा लेगा इसको देखकर, कोई इसमें ऐसा नहीं कि चाणक्य बनना आप लोगों कि भाई साहब मेरा टारगेट 120 से अगर 130 हो जाए तो माशाल्लाह मजा आ जाए, इतना टारगेट लगा सकते हो ना। ये एक बेसिक माइंड में क्राइटेरिया तैयार कर लिया आप लोगों ने कि भाई साहब इतने मार्क्स आएंगे तो भाई साहब मेरा प्रीलिम्स क्लियर है, मुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। पर लेकिन अगर ये मार्क्स लाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या बताना चाहिए कि भाई साहब प्रीलिम्स है क्या ये तो जान लो। ये प्रीलिम्स एक ऐसा पेपर होता है जिसमें आप लोगों के एक ऐसी स्टेज बोल सकते हो आप लोग, जिसमें आप लोगों के दो पेपर होते हैं, पहला पेपर होता है जनरल स्टडी का और दूसरा पेपर होता है सीसेट का। जनरल स्टडी और सीसेट दोनों में इक्वल मार्क्स के होते हैं, 200-200 नंबर के होते हैं, पर लेकिन क्वेश्चन में थोड़ी सी जाति कर दी जाती है किसके साथ में, सीसेट के साथ में, उसके 20 क्वेश्चन जो है इनके द्वारा गायब कर दिए गए और आप लोगों के लिए ओनली यहां पर 80 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे और जनरल स्टडी में आप लोगों को 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोनों को टाइम बिल्कुल बराबर दिया गया है, इसका मतलब इसके क्वेश्चन की औकात थोड़ी ज्यादा है क्योंकि 80 क्वेश्चन करने हैं 2 घंटे में और यहां पर 100 क्वेश्चन करने हैं 2 घंटे में। दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप है, जी हाँ बिल्कुल दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप है, नेगेटिव मार्किंग है, जी हाँ दोनों में टकाटक नेगेटिव मार्किंग है। और मेरिट रैंकिंग के बारे में अगर बात करें तो ये आप लोगों की मेरिट तैयार करेगी, ये जस्ट ओनली क्वालिफाइंग है। यानी कि अगर इस वाले पेपर में आप लोग 33 मार्क्स लेकर आ जाते हैं, यानी कि लगभग 66 नंबर अगर आप लोग लेकर आ जाते हैं 200 में से, तो आप लोगों का ये पेपर क्लियर और आप लोग सेकंड पेपर के बेस पर अब आप लोग मेंस लिखने लायक बनोगे यहां से। तो ये जो मार्क्स मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं मेनली यहां पर जो है आप लोगों के सामने ये जो पेपर है, आपका ये फर्स्ट पेपर जो है उसका कट ऑफ आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। यानी कि ये जो नंबर आप लोगों के आ रहे हैं सारे, ये सारे के सारे नंबर जो है ये आप लोगों के 200 में से आप लोगों को नजर आएंगे। यानी कि 200 में से अगर आप लोग ये नंबर लेकर आ रहे हैं तो इसका मतलब यहां पर ये है कि आप लोगों का कट ऑफ जो है वो क्लियर हो चुका है, अब आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग मेंस के लिए अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो सबसे पहले तो ये चीजें आप लोगों के माइंड में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, यहां तक कि क्रिस्टल क्लियर होगी। अच्छा, फॉर्म किस किसने भर लिया आप में से, आप लोगों को पता होगा यहां पर अब की बार कितनी सीटें हैं, यहां 861 सीटें हैं। पहले बताइए फॉर्म कौन कौन भर रहा है और कौन कौन अब की बार जो है वो प्रीलिम्स दे रहा है, ये 2022 की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर 861 वैकेंसी है आप लोगों के सामने, पहले के कंपेयर में वैकेंसी जो है वो आप लोग ही भर चुकी है। पर लेकिन वैकेंसी बढ़ने या घटने से कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, अगर आप लोग सही तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन के लेवल को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वैकेंसी अगर बढ़कर थोड़ी ज्यादा बढ़ भी गई तो आप लोग क्या लग रहा है कि जो बढ़ी हुई वैकेंसी है वो आप लोगों के खाते में आएगी, बस आप लोगों से अच्छी कोई प्रिपरेशन नहीं कर रहा होगा, कोई अच्छी स्ट्रेटजी नहीं बना रहा होगा, भाई साहब 1 से 1 30 मार्क खा पड़े रहते हैं। पर लेकिन वो 30 मार्क खा जो होते हैं ना, अगर आप लोग कॉन्टिन्यूटी लगे रहेंगे तो उन 30 मार्क खा को भी आप लोग हरा सकते हो। आप लोगों के अंदर एक पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, आप लोगों को एक ट्रेंड एनालिसिस पता होना चाहिए कि कहां से क्या क्या चीजें बन रही है। मतलब क्या, आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा रही है। अगर मोटे मोटे तौर पर मैं बताऊं, ये एग्जैक्ट क्लियर कट चीजें नहीं है बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप लोगों को लगेगा कि वो हिस्ट्री के क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, पॉलिटी के क्वेश्चन है, पर लेकिन बैकग्राउंड उनका करंट अफेयर होगा। तो यहां पर आप लोगों के सामने सबसे जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी वाली चीज होती है वो होता है करंट अफेयर। फिर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे आगे जो सब्जेक्ट है,
आप लोग जो करंट अफेयर से सबसे ज्यादा मिलते जुलते सब्जेक्ट है वो दो सब्जेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, एक हो गया यहाँ पर पॉलिटी और दूसरा हो गया यहाँ पर इकोनॉमी। यानी कि ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो करंट अफेयर के पैरेलल में चलते हैं बिल्कुल। तो यानी कि अगर आप लोग करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि इनके बारे में कुछ ना कुछ इनका ओरा धोरा आप लोगों को जरूर पता होगा। अच्छा ये है चीजें, अच्छा भैया बजट आ गया, इकोनॉमिक सर्वे आ गया, अरे उस राज्य में इलेक्शन चल रहे हैं, ठीक है प्रेसिडेंट ये हैं, प्राइम मिनिस्टर ये हैं, अच्छा कैग ने ये कर दिया, यूनियन टेरिटरी में डिलिमिटेशन कमीशन चल रहा है भाई। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने सुनते रहोगे और बैकग्राउंड में इनका स्टैटिक पोर्शन आप लोगों के सामने रहेगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये दोनों करंट अफेयर के भाई बहन आप लोगों के साथ में हमेशा रहेंगे अगर आप लोग प्रॉपर वे में करंट अफेयर विद स्टैटिक पोर्शन कर रहे हैं। जैसे मैं आप लोगों को जब द हिंदू डिस्कशन कराता हूँ तो ये सारी चीज आप लोगों को बताता हुआ चलता हूँ। दूसरा अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इसी के साथ में एनवायरमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। पिछले कुछ टाइम से यहाँ पर इनका क्राइटेरिया थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है क्योंकि लग रहा है कि एनवायरमेंट बर्बाद हो रहा है और बच्चों को साइंस और टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। और यहाँ पर आप लोग ये नहीं बोलते साइंटिस्ट बना दो, सिलेबस की वीडियो बनाई थी मैंने तो उस टाइम पर भी मैंने आप लोगों को बताया था ये कतई नहीं कहते हैं कि आप लोग साइंटिस्ट बन जाओ। इस सिलेबस की वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया था, ये बस ये कहते हैं कि भाई साहब एक जर्नलिस्टिक फॉर्म में आप लोगों को पता होना चाहिए और वो भी किस लेवल का, बस 10th लेवल का। इतनी सी बात ही आप लोग बोलते हैं कि कम से कम 10th लेवल का तो आप लोग तैयार कर लो, इससे फालतू ही आप लोगों से कुछ नहीं बोलते हैं। यानी कि 10th लेवल का भी अगर आप लोग तैयार करके चले गए तो ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे लेवल पर बोलते हैं कि आ जाओ भाई आप लोगों का स्वागत है। यानी कहने का मतलब ये कि आप लोगों को एनसीईआरटीज कवर करनी है तो एनसीईआरटी अगर आप लोग प्रॉपर वे में यहां से कवर कर पा रहे हो तो ये समझो कि आपकी आधे से ज्यादा जो मेहनत है वो खत्म हो चुकी है आप लोगों की। रही ज्योग्राफी और हिस्ट्री, देखिए ज्योग्राफी और हिस्ट्री जो है ये मैक्सिमम आप लोगों के इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। अगर यहाँ पर आप लोगों का इंटरेस्ट है तो आप लोग दबादब पढ़ दोगे और इंटरेस्ट नहीं है तो आप लोग माथा मारते रहोगे। अब मैं यहाँ पर क्या बताने वाला हूँ, मैं यहाँ पर ये जो ट्रेंड आप लोगों को दिखा रहा हूँ ना इसे मोटे मोटे तौर पर आप लोग समझ सकते हैं। जैसा मैंने आप लोगों को अभी बताया कि आप लोग कितने नंबर चाहिए, कम से कम आप लोगों को कम से कम 120 नंबर आप लोगों को यहाँ पर चाहिएंगे और ये 120 नंबर जो है वो यहाँ पर आप लोगों को छुपे हुए नजर आ जाएंगे कि भाई साहब इनमें से मुझे सारे नंबर निकालने हैं। और यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ये आप लोगों के सामने यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हुए, नंबर नहीं लिखे हुए, यानी कि 27 क्वेश्चन यहाँ पर आए। 27 क्वेश्चन को अगर दो से आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोग करंट अफेयर का वेटेज समझ जाओगे, आप लोग की आंखें खुल जाएंगी। यानी कि जब भी आप लोग यहाँ पर देखोगे करंट अफेयर को तो हमेशा आप लोगों को करंट अफेयर जो है वो आप लोगों को वर्थ इट मिलेगा। यानी कि करंट अफेयर कभी भी आप लोगों को धोखा नहीं देगा क्योंकि जो भी आप लोगों का स्टैटिक पोर्शन ही पूछा जा रहा है ना, पॉलिटी में ये पूछ लिया प्रेसिडेंट के बारे में पूछ लिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पूछ लिया, फंडामेंटल राइट के बारे में पूछ लिया, डीपीएसपी के बारे में पूछ लिया, ये इकोनॉमिक बजट पूछ लिया, इकोनॉमिक सर्वे पूछ लिया, या फिर आप लोगों से कॉन्सेप्ट पूछ लिया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, ये सारी चीजें आप लोगों को बैकग्राउंड में देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब ये कि प्रीलिम्स आप लोगों को क्लियर करना है तो सबसे आसान तरीका है कि करंट अफेयर के साथ में स्टैटिक पोर्शन बैकग्राउंड में आप लोग कवर करते हुए चलो तो काफी हद तक आप लोगों की नैया पार लग जाएगी। यानी कि लगभग आप लोग यहां पर बोल सकते हैं कि 1/4 काम आप लोगों का करंट अफेयर कर देता है। यानी कि अगर आप लोग यहां पर टारगेट लगा के चल रहे हैं तो आप लोग ये सोचिए कि लगभग 50 नंबर जो है वो डायरेक्टली आप लोग करंट अफेयर से कवर आप लोग कर पा रहे हैं, 50 तो डायरेक्टली हो गए। अब जितने भी यहां पर पॉलिटी के या फिर आप लोगों से जो क्वेश्चन बनेंगे यहां पर जो इकोनॉमी के क्वेश्चन बनेंगे, मान लीजिए यहां पर 14 क्वेश्चन है और यहां पर 10 क्वेश्चन है तो इसमें मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगा बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं करंट अफेयर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये करंट अफेयर आप लोगों यहां से निकल कर आएगा। इसके बेस पर अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो मान लीजिए यहां पर भी कितने हो गए आप लोगों के साथ में 24 टोटल क्वेश्चन आप लोगों के सामने हो गए, ठीक है। तो 24 × 48 यानी कि अगर मैं 2020 का ही एनालिसिस कर रहा हूं, 21 का ही एनालिसिस कर रहा हूं तो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा लगभग 50 नंबर आप लोगों के यहां से आगे, ठीक है। अब आप लोग ये बोलोगे कि यार क्यों बेवकूफ बना रहे हो, इसमें तो स्टैटिक पोर्शन भी आता है, ठीक है। पर लेकिन आप लोग अगर स्टैटिक पोर्शन की बात करेंगे नॉर्मली अगर आज के दिन में बोलो आप लोग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में आ गया कि क्या क्या वो डिसाइड करती है, वो सारा स्टैटिक पोर्शन आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, आप लोग यहां पर कवर करके चलते हैं करंट अफेयर के साथ में। करंट अफेयर के साथ में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं और उसके साथ में अगर आप लोगों ने अपनी एनसीईआरटीज कवर कर रखे तो काफी हद तक आप लोगों ने अपना स्टैटिक पोर्शन कवर कर रखा है। मैं यहां पर आप लोगों को यह बताना चाह रहा हूं जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ना, आजकल कई सारे मैसेज मेरे पास में आ रहे हैं कि सर कैसे कवर करें, लग नहीं रहा है अब तो सिलेबस कवर ही नहीं किया है। तो सिलेबस कवर करने का एक आप लोगों को माहौल बना के दे रहा हूं कि हाँ आप लोगों को लगे कि हाँ यार बहुत कुछ पढ़ रखा है और इसी के कॉन्फिडेंस के बेस पर आप लोग अपनी जो नैया है वो पार लगा के आओ। ये बस ओनली कट ऑफ क्लियर करना है प्रीलिम्स का, इसके बाद में मेंस होगा वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लोगों ने कितनी तैयारी कितनी प्रिपरेशन कर रखी है, ठीक है। यहां पर मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि हाँ आप लोगों को पता तो होना चाहिए कम से कम कहां आप लोगों को टारगेट करना है।
इसी के साथ में अगर आप लोग आज के दिन बात करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आज के दिन में आप लोगों से पूछे जाते हैं, कई क्वेश्चन जैसे कि कहीं नहीं इस तरीके से कि जो 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 फिनोमिनन आप लोगों के चल रहे हैं, जैसे आप लोगों ने अभी रिसेंटली पढ़ा होगा ज्वालामुखी फटा, ठीक है, तो ज्वालामुखी के बारे में आप लोगों से चीजें पूछी जा रही है, लैंडस्लाइड के बारे में आप लोगों से चीजें पूछी जा रही है, जैसे वेस्टर्न घाट, इन सब चीजों के बारे में आप लोगों ने कई बार चीजें पढ़ी। तो अगर बात करें प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के बारे में कई बार में पढ़ा चुका हूं, रिंग ऑफ फायर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, इन सब चीजों के बारे में, करंट्स जो होती हैं, ये सारे ऐसे कॉमन टॉपिक्स हैं जो रिपीटेडली आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो यहां पर ये अगर ये वाला पोर्शन भी आप लोग देखोगे तो बड़े ही प्यार से अगर आप लोग एनसीईआरटी कवर यहां पर कर पा रहे हो तो एनसीईआरटी आप जो यहां पर उठाकर ले जाएगी, कोई टेंशन लेने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी से बेस तैयार कर लो और उसके बाद में पुराने क्वेश्चन पेपर देखो। देखिए मैंने ना जितनी बार ये प्रीलिम्स निकाला है, मेरा हमेशा एक तरीका रहा है कि मैंने हमेशा अपना बेसिक कवर करने के बाद में क्वेश्चन पेपर लगाया दबाकर, ठीक है। क्वेश्चन पेपर जो है वो आप लोगों को एक ऐसे लेवल पर जाकर बैठा देंगे कि हाँ आप लोग कंफर्टेबल फील करेंगे। सबसे पहले अपने क्या करो, अपना सिलेबस देखो, दूसरे नंबर पर अपना क्या देखो, अपने पुराने क्वेश्चन पेपर देखो, और तीसरे नंबर पर आप लोग क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरीके से और करंट अफेयर आप लोगों का साथ में चलता रहना चाहिए। तो आप लोगों को मैं गारंटी देता हूं कि प्रीलिम्स आप लोग कोई रोकेगा नहीं अगर ये चीजें आप लोग साथ में करके चलते रहोगे। बेसिक चीजें देखिए यूपीएससी आप लोगों से ना बेसिक रिक्वायरमेंट मांगती है, बेसिक चीजें एनसीईआरटी पढ़ो उठाकर, यहां पर ये आप लोगों को देखोगे सारी सारी चीजें मैक्सिमम आप लोग कवर होती नजर आएगी। साइंस के एनसीईआरटी देखो, जनरल साइंस के बारे में बातें करते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो इन एनसीईआरटी को कवर करो। हिस्ट्री ज्योग्राफी की एनसीईआरटी किस किसने पढ़ रखी है आप लोगों ने, देखिए कई सारे पोर्शन ऐसे होंगे कि कईयों की ज्योग्राफी काफी अच्छी है तो कईयों की हिस्ट्री अच्छी अच्छी है। पॉलिटी मैक्सिमम लोगों की अच्छी होती है क्योंकि वो एक तरीके से आप लोग डे बाय डे की चीज में देखते रहते हैं। तो हमेशा आप लोगों को यहां पर टारगेट लगा के चलना पड़ेगा कि मुझे ये तो पर्टिकुलर एरिया ऐसा है कि अगर इससे क्वेश्चन आ जाएगा तो ये बचेगा नहीं, तो कम से कम एक एरिया ऐसा कवर करना है। और प्रैक्टिस जितना भी आप लोग लगाओगे ना वो प्रैक्टिस आप लोग की कॉमन सेंस तैयार कर देगी यहाँ पर कि अच्छे लेवल पर आप लोग चीजों को समझ पाओगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ट्रेंड समझो, आप लोग करंट अफेयर को स्किप नहीं कर सकते, खासकर अगर रिसेंटली ट्रेंड देखोगे 18 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन, अगर पिछले कुछ टाइम से आप लोग देखो तो करंट अफेयर इतना ज्यादा डालना स्टार्ट कर दिया क्योंकि पता है कि स्टैटिक तो एक बार को इनको सब पढ़ा देंगे, वैसे ये थे कोचिंग वगैरह में जाकर रट लिए, किसी के नोट्स उठाकर पढ़ लिए, पर लेकिन करंट अफेयर एक ऐसी चीज है इसमें अच्छे लेवल पर इंसान को घुमाया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ट्रेंड आप लोग देखो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। और हिस्ट्री में से जब आप लोग जाकर घुसोगे यहाँ पर तो हिस्ट्री में सबसे आसान रहता है मॉडर्न इंडिया, तो कम से कम मॉडर्न इंडिया आप लोग कवर करके जा सकते हैं जो कि आप लोगों को काफी अच्छे लेवल पर एक तरीके से तैयारी आप लोग ही करा कर देगा। इन्हें कहने का मतलब यहाँ पर यह कि मैं आप लोगों को मिनिमम रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ क्या क्या चीजें आप लोग कर सकते हैं जिससे आप लोग आसानी से एग्जाम को कम से कम अपना प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के माइंड में जब टारगेट रहेगा कि हाँ इतना कुछ करना है तो फिर आप लोग कोई भी दिक्कत देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगी। और जैसा कि मैंने अभी बताया यहाँ पर पॉलिटी का, पॉलिटी की पूरी लक्ष्मीकांत मैंने कवर करा रखी है, बैठकर अगर 10 से 12 दिन भी आप लोग देखोगे ना उसको तो सारे के सारे लेक्चर निपटा दोगे, एक प्लेलिस्ट में सारे के सारे लेक्चर आप लोग खत्म कर दोगे, 20-30 मिनट के सारे लेक्चर है, आप लोग आसानी से बैठकर उनको काफी अच्छे लेवल पर खत्म कर सकते हो। और फिर कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लेना, आप लोग अनकंफर्टेबल फील नहीं करोगे, ठीक है। और भी अगर कुछ मिनिमम आप लोगों को अगर ज्यादा नहीं करना है तो कम से कम एक बार आप लोग क्या करना है, ये लेक्चर आप लोगों को जरूर देख लेना है। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूं और ये एनसीईआरटी आप लोग कवर करनी है। तो कोशिश ये करनी है फिलहाल जो आप लोगों के पास में जितना भी टाइम बचा हुआ है अपना जो दिन होता है पूरा उसको कोशिश करोगे कम से कम 8-10 घंटे तो यार कम से कम आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। ये 8-10 घंटे मैं आप लोगों की पढ़ाई कह रहा हूँ, ये वीडियोस देखने वाली बात नहीं है, पता चला पूरे दिन वीडियो देख रहे हो बस पढ़ नहीं रहे हो। 8-10 घंटे का मतलब है कि उन वीडियोस को आप लोग घटा दो साइड में, उसके अलावा 8-10 घंटे की बातें कर रहा हूं। अब आप लोगों को एडजस्ट करना है कहां पे करना है। और ये 8-10 घंटे यहाँ पर अगर मैं 10 घंटे ही मान लूं इनको, अगर आप लोग डेडिकेटेड बच्चे हैं और यहाँ पर लग रहा है कि जितना टाइम बचा है उसमें धुआं उड़ाना है, तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि मॉर्निंग का जो टाइम आप लोगों को रखना है उसमें आप लोगों को अपना टेस्ट पेपर लगाना है, ठीक है, टेस्ट पेपर लगा के उसको एनालिसिस करना है और इवनिंग टाइम में अपनी स्टडी करना स्टार्ट कर देना है। यानी कि आप लोग टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो, टेस्ट को नहीं छोड़ना है। अगर आप लोग टेस्ट लगा रहे हो और टेस्ट का एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है, ये एक साइड में आप लोग कर रहे हैं और दूसरी साइड में आप लोगों को ये देखते रहना है, यहाँ पर नोटिस करते रहना है कि यार कौन से पेपर में मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और कौन से पेपर में मेरे मार्क्स जो है वो अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो उसको उसी को आप लोगों को क्या करना है, इवनिंग के टाइम पर आप लोगों को टाइम देना स्टार्ट कर देना है। यानी कि आप लोगों को अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर तो खेलना है, उसको और ज्यादा स्ट्रेंथ करना है और ज्यादा ताकतवर बनाना है, पर लेकिन जो वीकनेस है उसके ऊपर आप लोगों को काम करना स्टार्ट कर देना है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं। आप लोग कई सारे लोग ये बताते हुए मिलेंगे 10 दिन ये पढ़ लो, 5 दिन ये पढ़ लो, इसमें हो जाएगा। यार देखो सबकी अपनी स्ट्रेटजी होती है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, सब अपने अपने तरीके से बताते हैं, पर मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा हूं, ठीक है। जिसको ये लगता है ना प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा, मैं उसके लिए अप्रोच आप लोगों को बता रहा हूं। जिसने आज तक भी करंट अफेयर की कोई वीडियो नहीं देखी, जिसको कुछ पता ही नहीं है, उसको लग रहा है कि उसको प्रीलिम्स क्लियर करना है, तो यार उसको तो बहुत ही अच्छे लेवल पर एक स्टडी प्रॉपर बनानी पड़ेगी, वो फिर अलग लेवल का खेल हो जाएगा। यानी कि उसको तो बिल्कुल एक तरीके से आप लोग ये बोल सकते हैं कि लग कर जिसको कहते हैं दिन रात एक कर देना,
पहले अपनी सारी जो है बैठकर अपनी जो स्टैंडर्ड चीजें हैं उनको खत्म करें और उसी के साथ में टेस्ट लगाता रहे, तो मुझे नहीं लगता कि उसको कम से कम 14-15 घंटे से नीचे काम करना चाहिए अगर जिसने आज तक कुछ पढ़ाई नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ कि जो कम से कम ABCD जानता है, अच्छा ये सब्जेक्ट है, ये सिलेबस है, करंट अफेयर चल रहा है पिछले काफी कई महीनों से, मतलब मोटा मोटा ओवरव्यू पता है, तो अगर उसको लग रहा है कि क्या प्रीलिम्स देना चाहिए नहीं देना चाहिए, मैं उसके लिए बातें बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं। बाकी रही पहले वाली कैटेगरी, अगर इसको कुछ पता ही नहीं है अभी स्टार्ट करिए, तो देखिए मैं उसको रिकमेंड भी नहीं करूंगा कि अब की बार प्रीलिम्स देना है, क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स से निकल भी गया तो उसमें कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा तीर निकाल लिया जाएगा, आप लोग फिर मेंस में जाकर लेट जाओगे, ठीक है। तो कोशिश करो कि प्रॉपर वे में तैयारी करो एक नेक्स्ट ईयर की। तो ये उसके लिए है जिसका कम से कम ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ रखा है एक बार, ठीक है। इसी के साथ में अपनी कुछ कुछ चीजें सारी कवर कर रखी है, पर हाँ फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो उसको किस तरीके से अपना प्लान को लेकर चलना है। तो मॉर्निंग का टाइम इसलिए बोला मैंने टेस्ट लगाने के लिए क्योंकि जो आप लोग का पेपर होने वाला है वो 9:30 से होने वाला है, ठीक है। तो मॉर्निंग में ही आप लोग का पेपर रहेगा, तो फिलहाल भी आप लोग अपनी जो टेस्ट की प्रिपरेशन है वो मॉर्निंग के टाइम पर ही करिए, ठीक है। जितना ज्यादा आप लोग कर सकते हैं, कम से कम 5 दिन आप लोग एटलीस्ट यहाँ पर टेस्ट लगाओ फिलहाल अभी, ठीक है। 5 दिन टेस्ट लगाओ और बाकी वीक में 1 दिन पूरा अपने सी सेट को दे दो। सी सेट की तैयारी कैसे करनी है 2 महीने में, उसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है मैंने प्रॉपर, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, कैसे कैसे आप लोगों को तैयारी करनी है, उसको आप लोग देख लेना। सी सेट कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप लोग के हाथों से निकल जाएगी, क्योंकि 33% मार्क्स लेके आने यार, 66 मार्क्स लेके आने हैं। तो अगर आप लोग एप्टीट्यूड में अच्छे हैं या फिर आप लोग रीजनिंग सब में अच्छे हैं या फिर आप लोग इंग्लिश में अच्छे हैं, तो दोनों के लिए बराबर मौका वहां पर दिया गया है। तो मेरा तो मानना यार यही है, अपने 3 महीने स्टार्टिंग के जो है उसमें कोशिश करो कि ऑल्टरनेटरी डेज पर आप लोग एक एक टेस्ट लगा लो, ठीक है। ऑल्टरनेट डेज पर एक टेस्ट लगाओ, फिर उसका एनालिसिस करो, और जो भी सब्जेक्ट आप लोग को वीक लगा है उसको फिर बैकग्राउंड में जाकर उस सब्जेक्ट को आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। उसको आप लोग टाइम देना स्टार्ट कर दो। जैसे मान लीजिए पॉलिटी के बारे में बात करी, तो पॉलिटी को टाइम देना स्टार्ट कर दो। हाफ डे में आप लोग अपनी स्टडी करो प्रॉपर में बैठ के, और हाफ डे में बैठकर अपनी प्रैक्टिस करो। तो ये जो पैटर्न है मुझे हमेशा काम आया। प्रैक्टिस जो है आप लोग अगर लास्ट के 1 महीने में भी दबाकर ढंग से, अगर एक नहीं सब कुछ छोड़ छाड़ के बस प्रैक्टिस कर देनी है, डेली एक एक क्वेश्चन पेपर लगाना है, तो इस तरीके से भी अगर आप लोग काम करके चलेंगे ना, तो प्रीलिम्स आप लोगों का कोई नहीं रोकेगा। पर लेकिन पता होना चाहिए कि टारगेट कहां पर है, पता होना चाहिए कि आप लोगों को काम कहां पर करना है, पता होना चाहिए कितना कट ऑफ आप लोगों के माइंड में यहां पर रहना चाहिए। तो उसके बेस पर आप लोग अपनी पूरी स्ट्रेटजी बनाकर काम करिए, कभी भी कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो कोशिश करो, अगर आप लोग अभी जिसे पॉलिटी अगर आप लोगों ने एक बार पढ़ रखी है, ठीक है, तो कोशिश करो कि प्रैक्टिस के थ्रू आप लोग चीजों को रिवाइज करने की कोशिश करो। देखिए मेरा हमेशा ये रहता है कि एक बार चीजें पढ़ लो, ठीक है, एक बार नजरों में को निकाल ली चीजें फटाफट, फिर उसके बाद में जो रिविजन करना है ना वो प्रैक्टिस से करना है। क्योंकि कितनी भी बार किताबें पढ़ लोगे ना भाई साहब, उसमें से आधी चीजें रह जाएंगी, आधी चीजें भूल जाओगे, पर लेकिन सेम अगर चीज आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे तो चीजें आप लोगों के याद रहना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि उन चीजों की प्रैक्टिस करना आप लोगों को स्टार्ट कर देना है। ये बेसिकली मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाह रहा हूं। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, बस पढ़ते रहोगे, क्वेश्चन याद नहीं आना है भाई साहब, आप लोगों को कोई थ्योरी याद नहीं आनी है वहां पर। आप लोग इतना सच रहे ना कि एक तरीके से रजनीकांत की चिट्ठी तो है नहीं आप लोग यहाँ पर, कि आप लोग पढ़ोगे और एक बार फिर से आप लोग उसको याद रख लोगे, बस भाई साहब चेहरे के आगे से किताब घुमाई और कहानी खत्म होगी, वो काम कभी होने वाला नहीं है। और ये काम करने के लिए आप लोगों को प्रॉपर वे में स्ट्रेटजी के साथ में काम करना पड़ेगा। और स्ट्रेटजी यहाँ पर जो मेरे हिसाब से लगती है वो यही है कि अपना प्रॉपर वे में जिनको थोड़ा थोड़ा पता है टेस्ट लगाना स्टार्ट करो। ये नहीं कि पहले सिलेबस खत्म कर लेते हैं उसके बाद में टेस्ट लगाएंगे, किसी के नहीं लगे आज तक, आपके कहां से लग जाएंगे, ठीक है। आता हो चाहे ना आता हो, जितना आता है अच्छी बात है, जितना नहीं आता और भी अच्छी बात है, क्योंकि कुछ नया सीखने को मिलेगा। टेस्ट के एनालिसिस में ज्यादा से ज्यादा टाइम आप लोगों को लगाना है और बैकग्राउंड में उसी सब्जेक्ट को टॉपिक को कवर करते रहना है। पॉलिटी का चैप्टर आ गया, फंडामेंटल राइट नहीं समझ में आया यार, क्वेश्चन नहीं हुआ, पूरा फंडामेंटल राइट जाकर पॉलिटी का खत्म कर दो चैप्टर, ठीक है। फिर से फंडामेंटल राइट का कोई क्वेश्चन आएगा, फिर से उठाकर आप लोग देखोगे तो उसका तुरंत रिवीजन भी हो जाएगा कुछ मिनटों के अंदर में। तो यार ये मेरी पर्सनल स्टडी है जो मैंने फॉलो की है, पर लेकिन ये उसके लिए है जो कि कुछ कुछ जानता है, जिसने कुछ भी नहीं पता है अभी बिल्कुल, जिसने अभी उठाकर ही नहीं देखा है, उसके लिए तो अलग से मैं वीडियो बना दूंगा कि बिल्कुल स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कैसे करनी है। फिलहाल उनके लिए है जिसके पास में ये टाइम बचा है और वो चाहते हैं कि प्रीलिम्स क्लियर करना है। आई होप कि मेरी बातें आप लोगों के माइंड में यहाँ पर कुछ समझ में आ रही होंगी, आप लोग इसको कोरिलेट कर पा रहे होंगे, और अगर रियलिटी में आप लोग कोरिलेट कर पा रहे हैं तो बताइए कि आप लोग स्ट्रेटजी किस तरीके से लेकर चलने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है और वीक वाले को और भी ज्यादा टाइम देना है, और सी सेट को हल्के में नहीं आंकना है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे लगता है कि आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बेसिकली ये बताना चाह रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस दिलाना चाह रहा हूँ, जिनको ये लगता है कि क्लियर नहीं होगा यहाँ पर पेपर, उनके लिए बेसिकली बातें करना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। सारी चीजें जितनी भी आते हैं ना सही, कि अगर इन्वायरमेंट की चीजें देखेंगे, इन्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे, तो बैकग्राउंड में आप लोग कहीं ना कहीं करंट ही नजर आएगा, हर जगह आप लोग करंट देखने को मिलेगा। तो करंट को ढंग से घोट कर पियो बेसिक स्टैटिक पोर्शन के साथ में, तो आधे से ज्यादा दिक्कतें समस्याएं आप लोग की दूर हो जाएंगी, ठीक है।
तो रेगुलर जो दो वीडियो आ रही है उनको भी देखते रहिए, और जो मंथली वीडियो बनाई है करंट अफेयर की उसको आप लोग देखें। बहुत सारी चीजें तो आप लोग ऐसे कवर हो जाती है कि आप लोगों को लगेगा यार कितनी आसान है चीजें, पर लेकिन समझना है भाई साहब, रटना नहीं है। ठीक है, तो ये थी कुछ बातें, आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। कुछ और डाउट होगा बताएगा, फिर उसके ऊपर आगे वीडियो बनाऊंगा। तब तक अपना ध्यान रखिए। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करा, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, मौज लो रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, टेंशन लेकर किसी का भला नहीं हुआ है, एंजॉय कर पढ़ाई करो। ठीक है।